हैशटैग पाक से बदला, और ये पाक से बदले की है नई किश्त। ये पाक से बदले का है नया वीडियो, और इस तरह के वीडियो, इस तरह की किश्तें आती रहेंगी। भारतीय सेना ने नौशेरा में पाकिस्तानी चौकी को तबाह करने का यह वीडियो जारी किया। नौशेरा में भारतीय सेना ने उस पाकिस्तानी चौकी को उड़ा दिया जहां से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। सेना ने साफ कहा कि अटैक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का हिस्सा है। सेना की ADGPI मेजर जनरल नरूला ने कहा है, बर्फ पिघलने के बाद घुसपैठ बढ़ने की आशंका है। भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के तहत LC पर प्यूनिटिव फायर असॉल्ट किए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना सशस्त्र आतंकवादियों की मदद करता रहता है और इस दौरान वह हमारे अग्रिम सेना पोस्टों को अपने चौकियों और बंकरों की मदद से एंगेज करता रहता है। कई बार वो ऐसा करते हुए हमारे गांवों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें, और ऐसा करने के लिए हम LC को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, ताकि इन्फिल्ट्रेशन के अवसर कम से कम किए जा सके। बर्फ पिघलने और पासिस के खुलने से इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने की आशंका है। हाल ही में हुए नौगाम के ऑपरेशन में जो 20 और 21 मई को हुआ था, जहां 4 आतंकवादियों को मारा गया था, इस आशंका को दर्शाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को और सफल और सशक्त कर सके। हम कश्मीर के में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि LC से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए, और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और JNK के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। धन्यवाद। इन्फिल्ट्रेटर्स जिस कोने से भी इस मुल्क की जमीन पे पांव रखने की कोशिश करेंगे, यही मुंह तोड़ जवाब रहेगा। और आर्मी को मैं सल्यूट करती हूँ, हमारे बॉर्डर्स को जो सिक्योर करती हैं और ऐसे लोगों को यहाँ अंदर आने से रोक रही हैं, जिसकी वजह से खासकर कश्मीर इतना इनसिक्योर हो गया है। कश्मीर में जो कत्लोगारत हो रहा है उसकी सुधार की संभावना है। समय आ गया है कि हम सवाल पूछें, जवाब पाकिस्तान दे। वो पहल होनी चाहिए। मेरा मानना है कि पूरी 740-750 किलोमीटर लंबी LOC है, उसको एक्टिव रखो, लगातार ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं जो हमारे पास है सस्टेन करने की। यही वजह थी 2003 में उन्होंने सीज फायर मांगी थी, वही हालात हमें दोबारा क्रिएट करने चाहिए, ताकि वो सीज फायर मांगे और बात करने के लिए आए। एक ही पोस्ट हुई है, अब आइंदा से यदि पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है, सीज फायर वायोलेशंस करता है, घुसपैठ करता है, तो और दूसरी जगह भी चुन चुन करके पोस्टों के ऊपर अटैक करने की भारत को ज़रूरत है। और ये समय भी आ गया है, और भारत की जनता की भी मांग है, और ये बहुत अच्छा कदम है फौज का। और ये भी कहूँगा कि अभी फौज को लगता है कि फौज को छूट दी गई है, तभी फौज ने ये काम किया है और खुल करके बताया पाकिस्तान को, कोई छुप करके नहीं किया है। हमने किया है सीज फायर वायलेशन, हमने अटैक किया। No, the Indian army did an attack on the Pakistan post, which was very, very necessary because we were at the receiving end in the last few days. We lost 4 valuable lives in the last 48 hours. Our jawans are being brutally killed and their bodies are mutilated. When this is happening, if we are not in the offensive, we should be on the offensive. So they did it and we congratulate them. सबसे नई बात यह है कि हिंदुस्तान की फौज ने इस बारी बाहर निकल के अपना प्रेस, पब्लिक और मीडिया की ब्रीफिंग करने के लिए जो एक्शंस उन्होंने किए वो उसके बारे में बताया है।
ये जो चीज है ये इसीलिए किया है उन्होंने ताकि पाकिस्तान को एक मैसेज चला जाए कि देखिए अभी तक जो होता था हिंदुस्तान की फौज अपने ऑपरेशनल मैटर्स कभी नहीं खुलती थी, वो एक्शन कर देते थे पर चुप रहते थे, पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलते मशीनरी चलती रहती थी। ये उस प्रोपेगेंडा को मशीनरी को बंद करने के लिए इस बारी हिंदुस्तान की फौज ने एक्शन करने के बाद प्रेस ब्रीफिंग और मीडिया ब्रीफिंग की ताकि सारे हिंदुस्तान के लोगों को पता लगे कि हमारी फौज क्या कर रही है। देश की सेना को सलाम, उनकी बहादुरी और जज्बे को सलाम। जिस प्रकार से नौशेरा सेक्टर में उग्रवादी जो पाकिस्तान धकेल रहा था उनको रोकते हुए पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह किया है बहादुरी से, इसके लिए हम देश की सेना को मुबारकबाद देते हैं। और आज भारतीय जवानों ने जिस ढंग से पाकिस्तान की पोस्ट ध्वस्त की है वो जितनी सराहना करे उतनी कम होगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब नहीं रुकना, अब किसी भी हालत में रुकना नहीं, आगे जाना है। हमको सोचना है कि लाहौर पे भी तिरंगा लहराना है। आज ऐसा हो रहा है कि अब जिन जो इनके बंकर्स हैं, जहां ये आते हैं, जहां ये रहते हैं, जहां ये करते हैं, तो टाइम आ गया है कि अब इनको उड़ाना है। हमने बड़े आराम से इनसे बोला था कि आप चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ, कोई नहीं जाता, आ जाते हैं और फिर उधर से फायरिंग करते हैं। तो अगर उनके फायरिंग करते हैं और उधर आते हैं तो हम चुप बैठे रहें, ये तो बहुत अच्छा जो हो रहा है, और उन्होंने तो उड़ा दिया सबको। और अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को भी ये होश आनी चाहिए कि भाई कश्मीर इनका नहीं है। मनीष इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम रिएक्शंस आपने देखे किस तरीके के रिएक्शंस हैं, और हर कोई कह रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है, ना केवल चीज़ें ये की गई है बल्कि उसे ऑन किया गया है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी तक में इस वीडियो की भनक जो है वो साफ सुनाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से डिनाइल मोड में है। हम बात करते हैं मनीष हमारे साथ हैं, मनीष क्या रिएक्शन आ रहा है? देखिए अभी पाकिस्तानी आर्मी ने ट्वीट किया है, उनका जो ISPR विंग है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय सेना ये क्लेम कर रही है कि नौशेरा सेक्टर में उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट को उड़ा दिया है वो गलत है, फाल्स है, लेकिन हमारे पास सबूत है और इस बार ठोक करके सबूत भारतीय सेना ने सामने रखे हैं। और जिस तरीके से हम वीडियो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बकायदा ये प्लानिंग के तहत इंडियन आर्मी ने फायरिंग की है, तमाम कई पाकिस्तानी पोस्ट थी जिनको टारगेट किया गया। और जो सबसे बड़ी बात सचिन इस बात की है कि पहले से इंटेलिजेंस इनपुट गैदर किया गया, इकट्ठी की गई, तमाम ऐसे इनपुट्स आ रहे थे कि नौशेरा और उसके आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में आतंकी जो लश्कर तोयबा के हैं वो लॉन्चिंग पैड और इन पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट पर इकट्ठे हुए हैं, और बर्फ पिघलने से पहले उनके बड़े संख्या में कश्मीर में घुसपैठ होने वाली थी। और ये डिसीजन बड़े लेवल पर हाई कमांड पे ये काफ़ी ऊपर तक इसको डिस्कस किया गया कि कब और कैसे एक्शन लेना है। जो यहाँ एक्शन लिया गया उसके बाद से ये भी कहा जा रहा था कि बॉर्डर एक्शन टीम भी है भारतीय सेना की जो फायरिंग हुई इस पोस्ट पर, तो कई पोस्ट वहाँ बर्बाद तो हुई, साथ में कई आतंकी वहाँ से भाग गए, वापस चले गए, और खुद पाकिस्तानी आर्मी अपनी इन पोस्ट से कई जगह वो दूर होते दिखे। उनको लगा कि जिस लेवल पर फायरिंग हो रही है वहाँ पर उनके लिए जान का खतरा है। हालांकि किस लेवल पर नुकसान हुआ है अभी इसको लेकर के भारतीय सेना ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से अगर हम वीडियो देखें तो जरूरी दिखता है कि एक वीडियो को शेयर किया गया है तो उसके साथ की तमाम इंटीग्रिटीज, उसके साथ की तमाम चीज़ें, और क्योंकि ये वीडियो कुछ सेना की तरफ से डाला गया है, बताया गया है, रिलीज किया गया है, तो ऐसे में इसके साथ साथ क्या क्वेश्चंस या पॉसिबिलिटीज भी हो सकते हैं उसका जवाब भी सेना के पास होगा, माकूल तरीके से वो भी बातें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेगा।